सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो पे जो रिएक्शन है वो रश्मीत कौर की एल्बम के गाने का है, और ये एल्बम जो है उस एल्बम का नाम है कौरा। और इस एल्बम का हम एक ट्रैक पे रिएक्शन देंगे, जो कि मुझे उसका टाइटल नेम जो है से ही लगा कि मुझे इस गाने पे जो है रिएक्शन देना ही चाहिए, यानी कि मुझे उस गाने को सुनना है बेसिकली। सो सुनना किसके साथ है? आपके साथ। तो इस गाने का नाम है भोले। सो भोले इस गाने का नाम है, और जैसे कि इस गाने के अंदर है उनके साथ मुफाड़। सो मैं सुनना चाहती हूँ उस गाने के अंदर वो क्या कुछ लेकर आई है भोले पर, महादेव पर। तो गाना शुरू कर लेते हैं। कौरा ये सुन। शंभो 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 शिव शंकर शंभो 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 शिव शंकर शंभो शंभो शिव शंकर शंभो भोले भंडारी मस्ती में धारी दुनिया झूमे नाच जो बम बम बोले तू उसका होले मुझे रंग दे भोले नाथ पकड़ ले हाथ शिव शंकर शंभो कैलाश के स्वामी हर सांस के स्वामी उसका डमरू बजे तो नचे आत्मा बांध के जटाओं से नचाए करे बात ना करनी पड़ती यात्रा जाना पड़ता धाम भी चारों दिशा वास तेरा कहर तीसरी आंख का सैया बाबा के लिए खींच के चिलम ले रहे मौज कहीं बैठ के देख रहे फिल्म तीनों आंखें बंद करके सारी दुनिया भंड करके नाचे अपने हिमरदन पे देवत्री अम्बकम तो पुल पम 108 बार सच दिखे साक्षात शिव दिखे भीतर जब सांप होंगे आसपास पापियों की दुनिया सीखने को कुछ नहीं आखिरी है युग भोले बाबा लेंगे लास्ट क्लास करे इंसान जो विनाश तो सर्वनाशी तू धरती कांपती भूकंप से है थरथराती हूँ खुले मुंह लगाती अरदास पर है रूह के बख्श दे शंभु बचा ले मुझे तू शिव शंकर शंभो मर घट के वासी घट घट के वासी रख ले अपने पास ओ जोगी मेरे हम हो गए तेरे मन बोल मेरे तू शंभो शंभो शिव शंकर शंभो विषकंठ धरे तू दुख दूर करे तू मुझे लगा दे पार जो बोले भोले क्या ही बताऊं मैं आपको। गाना सुन के किस तरह का मुझे फील हो रहा है, एक एनर्जी आ गई है मेरे अंदर। एक होता है ना एक अंदर से विल पावर जो होती है, एनर्जी होती है, जो ऊर्जा होती है, वो सब चीजें जो है जब हम मेडिटेशन करते हैं सो वो सब चीजें जब हमारे अंदर आती है तो वो जो है ये गाना सुन के मेरे अंदर आ गई है। बेसिकली मैं रश्मीत कौर को फर्स्ट टाइम इनको सुन रही हूँ, मैं क्लियर बोलूंगी, और उनके गाने पे मैं ऐसे ही फर्स्ट टाइम रिएक्शन दे रही हूँ। सो मुझे उनकी वोकल जो थी भाई वो बहुत ही ज्यादा कमाल की लगी, और जब वो भोले और शंभू बोल रही थी ना तो वो एक वाइब्रेशन हो रही थी, जो वाइब्रेशन हम ओम का उच्चारण करते टाइम करते हैं ना, तो वो एक भोले में जो वाइब्रेशन हो रही थी वो चीज जो थी भाई वो जो है एक मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बयान नहीं कर सकती। बस आप इस ट्रैक को सुनो, उसको फील करो, जो एक अंदर से सूदनेस शांति पीसनेस आपके पूरी बॉडी में आएगी ना,
भाई अमेजिंग ट्रैक, लिरिक्स जो थे वो बहुत ही कमाल के लगे। और जहां मुफाड़ ने गाना स्टार्ट किया उन्होंने एक लाइन बोली थी कि चारों दिशा और चारों धाम, तो उन्होंने यहाँ पर जो है चारों दिशा यानी कि चारों दिशाओं को ले लिया और चारों धाम यानी कि चारों धाम को ले लिया। सो उनके मुझे वर्स जो थे इस गाने के अंदर भाई अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग, और एक अलग ही मैं बोलना चाहूंगी फिर से एक पावर आ गई इस गाने को सुन के। सो आप इस गाने को सुनो, इस गाने का बीट्स म्यूजिक जो था वो इतना अमेजिंग लगा, और बैकग्राउंड में यानी कि पीछे से जो रश्मित कौर की जो वोकल आ रही थी वो भी काफी अच्छी लग रही थी, और लास्ट में जब उन्होंने हर हर महादेव बोला भाई अमेजिंग लगा मुझे ये ट्रैक। और भाई सबसे अच्छी बात तो ये है मैंने इस गाने को जो है इसको सुना वो भी आपके साथ, और इस गाने में जो है रिएक्शन ऐसे दे रही हूँ तो मुझे तो काफी ज्यादा मजा आ गया इस गाने को सुन के। पापियों की दुनिया है, बस अब सीखने को कुछ नहीं है, बस अब जो लेंगे भोले बाबा लास्ट क्लास। तो यहाँ पर बेसिकली मुफाड़ ने यही बात बोली है कि ये कलयुग है और जब ये कलयुग खत्म होगा उससे पहले जो है कल की अवतार लेंगे और इस दुनिया को जो है विनाश कर देंगे, यानी कि जो यहाँ पर बुरे लोग हैं उनका विनाश कर देंगे। तो एक तरह से वो चीज भी मेंशन की हुई थी इस गाने के अंदर, तो वो चीज भी काफी अच्छी लगी। सो मैं यही बोलना चाहूंगी इस गाने के जो लिरिक्स थे यानी कि जो राइटिंग थी वो काफी ब्यूटीफुल तरीके से जो लिखा गया है, और साथ ही साथ उससे भी ज्यादा इस गाने को इतने ब्यूटीफुल तरीके से गाया गया है रश्मित कौर ने और मुफाड़ ने। तो मुझे ये ट्रैक जो है, ये गाना जो है वो काफी अच्छा लगा, मैंने तो काफी एंजॉय किया, और आप सभी इस गाने को ऐसे मेरे साथ रिएक्शन में तो सुनो ही और पर्सनली भी इस गाने को सुनो तो वो एक अलग ही वाइब्रेशन, एक अलग ही जोन में जाने वाले हो आप इस गाने को सुनकर। सो मुझे तो ये गाना अच्छा लगा, आप बताइए आपको मेरा रिएक्शन कैसा लगा। जब तक के लिए आपको मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर और हर हर महादेव।